जय भारत, जय भारत। आरसीएम आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहां प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। और अगर प्रधानमंत्री जी ना आते तो ये निर्मला जी के लिए भी था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी का है। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूं प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है, ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे, ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है। कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों, ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूं कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज, मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूं और समझना चाहती हूं। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है, ये उदाहरण है आपका, आपने कर दिखाया है। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को आपको धन्यवाद करती हूं, उन मां बाप को नमन करती हूं जिनकी वजह से यह संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया, ये एक एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग है, इट्स एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग, एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का मैं उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। आप बहुत कुछ, बहुत सारे लेसन्स दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन्स दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। ये एक मैसेज हर भारतीयों के, हर मैसेज हर परिवार को है, हर परिवार जो कि इकोनॉमिकली कर सकता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी रखता है, काबिलियत रखता है,
उसके पास धन भी है, टैलेंट भी है, वो कैसे चमत्कार सारे परिवार को जुड़ के, चाहे वो माँ बाप हो चाहे ससुराल हो, किस प्रकार वो कर सकता है ये चमत्कार। इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही कामयाब होते रहें और एक ये नेशनल प्राइड बन के दिखाएं, की सोल एक नेशनल प्राइड बने। उसकी शर्त यह है कि इस परिवार में, इस काम में, इसकी नियत में, इसकी मेहनत में कोई भी खोट ना पाए, कोई भी खोट ना पाए, कोई भी इसको डिवाइड ना करे, कोई इस पर दाग ना लगे, इसमें ईमानदारी और लगन और तपस्या जनून जुड़ा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और उसका कर्तव्य, प्रियंका ने बोला है, उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है, हर महिला हर पुरुष जो इस की सोल से या आरसीएम से जुड़े, उसका एक प्रण होगा कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा या करूंगी जिसमें आरसीएम पर कोई भी आन जाए। ये हमारी भक्ति है, आरसीएम और की सोल आपकी भक्ति है, हमारी भक्ति है, ये घर घर की भक्ति है, क्योंकि ये भक्ति आपको नहीं, आपको ही नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में वाकई में जुड़े हुए हैं। और आप हर व्यक्ति, हर महिला जब अपने परिवार को इकोनॉमिकली सफिशिएंट करती है, वो हमारे देश को ताकतवर बनाती है, क्योंकि जब हर महिला जब घर में जाके इकोनॉमिकली इंपावर्ड होती है, उसका घर ज्यादा हेल्दी होता है, अच्छा पढ़ लिखता है, उसके माँ बाप का हेल्थ केयर हो जाती है, सारा घर का परिवार का माहौल बदलता है, क्योंकि वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ रिलायबल हो जाता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको बहुत समझदारी से इसको आगे, इस मूवमेंट को ले जाना है। 5 साल बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन 5 साल में आपने ये चमत्कार दिखा दिया तो 10 साल के बाद क्या होगा, आप तो हर आगे होंगे। इसलिए इस व्यक्ति, इसमें जुड़े जो भी आप काम कर रहे, इसको भक्ति समझ के करना, इसको पूजा समझ के करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ के करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे माहौल देखे हैं, मुझे डर लगता है, डर लगता है, डर किस चीज से, कि नजर ना लगे। इसलिए सारे परिवार की स्वस्थ, उनकी शुभ, हमारी सारी प्रार्थनाएं इस परिवार की तरक्की पे लगे रहे, ताकि, क्योंकि इस परिवार ने तो निर्मात इसको बनाया है, ये उसके फाउंडर हैं, उसके क्रिएटर हैं, और ये परिवार ऐसा ही अपना ऐसा समूह समागम बनाता रहे, क्योंकि आप एक राष्ट्र आंदोलन बन चुके हो, यू आर ऑलरेडी अ नेशनल रेवोल्यूशन, यू आर अ रेवोल्यूशन। ये मूवमेंट नहीं है, ये एक आंदोलन है। जब मुझे प्रियंका ने और इनके परिवार ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं समझती कि आप क्या हैं, लेकिन मैं तो हैरान हो गई हूं देख के कि ऐसा भी होता है, और वो भी 5 साल में ही। उसके लिए एक व्यक्ति जब ऐसा दूरंदेशी होता है तो ये संभव है, इसीलिए की सोल है तो संभव है। प्रियंका है, उसका परिवार है तो संभव है, आप सब परिवार में जुड़े हुए तो संभव है, आप इसको भक्ति समझते हैं तो संभव है, इसको अपना त्याग समझते हैं तो संभव है, आप इसको अपने आप को सरेंडर समझते हैं तो संभव है, आप इसमें ईमानदारी लगाते हैं तो संभव है, आप इसमें मेहनत लगाते हैं तो संभव है, आप सही नियत से काम करते हैं तो संभव है। ये है इसका सारा चमत्कार, इसकी सारी कुंजियां ये है, और आपका नाम भी बहुत अच्छा है, दिस द की। और ये हर जगह कहीं भी संभव हो सकता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन आओ हिंदुस्तान में तो आंदोलन शहर शहर में, घर घर में, गांव गांव में लेकर जाए, गांव गांव में लेकर जाए, ताकि हर महिला समझे कि वो घर बैठे अपना घर का पालन करते हुए भी
घर को और भी ताकतवर बना सकती है, आर्थिक तरीके से भी, लीडरशिप में भी। सो साथियों, प्रियंका ने एक बात की कि महिला में कोमलता है और पुरुष में मसल पावर है। मैं ये आपको बताना चाहती हूं कि आप महिलाएं तो आगे निकल चुकी हैं। वो क्यों? महिला और पुरुष में मुख्य अंतर मैं आपको बताना चाहती हूं। पुरुष में 3M होते हैं, 3M, M फॉर मामा, M फॉर मदर, 3M होते हैं जिसकी वजह पुरुष की काबिलियत देखी जाती है और पुरुष भिन्न भी होता है महिला से। 3M, पहला M है उसका मसल पावर होती है, उसके पास शारीरिक ताकत होती है, इसीलिए जितने वजन उठाने होते हैं, जब सोफा उठाना होता है, बॉक्स उठाना पड़ता है, हर टाइम मेरी कॉम नहीं आती, पुरुष ही आता है। पुरुष के पास मसल पावर होती है, मसल पावर। सो ये उसका गुण है। पुरुष के में मुख्य 3 गुण है और आगे बताऊंगी ये गुण कैसे आप में आ चुके हैं। पहला गुण हर पुरुष का, जिसकी हम बड़ी कदर करते हैं, जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है, वो है मसल पावर। उसके पास मसल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। इसलिए लड़के और लड़की में, लड़की हर पुरुष का भाई ये कर दे, क्योंकि उसका मसल पावर होती है। दूसरी उसके पास पावर है मनी पावर। उसका मनी है, उसका पैसा है, तो मसल पावर और उसके पास मनी है। क्यों? क्योंकि जन्म से ही मां बाप उसका परिवार कह देता है, तू तो कमाएगा, तू तो काम चलाएगा, तू तो परिवार को चलाएगा। उसके दिमाग में आ जाता है, मैं ही जाके अपने मां बाप का, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। इसलिए वो पैसा कमाने के लिए काम सीखता है और काम कमाता है। इसलिए वो घर नहीं बैठता, वो निकलता है घर से, चाहे कुछ भी काम करे, वो जब अपने आप को कमाऊ समझता है, क्योंकि मां बाप कहते हैं बुढ़ापे की लाठी तो तू ही है। लड़की को नहीं कहते, लड़के को कहते कि तू, हम जब बड़े होंगे देखन बात तो तू ही करेगा, क्योंकि तूने ही हमारे बुढ़ापे को संभालना है। उसका मनी पावर है, वो कमाता है, आके मां बाप को देता है, अपनी बीवी को देता है, और आके बांट के कुछ अपने पास सेविंग रखता है, या कोई तो सारा कुछ दे देता है, कुछ थोड़ा देता है, लेकिन उसका मनी पावर है। सो दूसरा एम है मनी पावर। तीसरा गुण जो पुरुष में है वो है मोबिलिटी। वो मोबाइल है, वो ट्रैवल करता है, वो दूर घर से बाहर जाता है, दूर दूर भी जाता है, ट्रैवल करता है, कभी बस में जाता है, स्कूटर पे जाता है, साइकिल पे जाता है, हवाई जहाज में जाता है, वो ट्रैवल करता है, वो मोबाइल है। सो 3 गुण पुरुषों में है, एक है मसल पावर जिसको शारीरिक ताकत कहते हैं, दूसरी है मनी पावर क्योंकि वो कमाता है, वो कमाऊ समझा जाता है, कोई उसको ये नहीं कहता तू घर ही बैठ जा, तू माँ बाप की खाना, मैंने देखा उसको सारे जने गुस्सा करते गए, तू जाके कमाया क्यों नहीं, चाहे कुछ भी कर। और तीसरा मोबिलिटी, और मोबिलिटी शुरुआत से है, जब मानवता का जन्म भी हुआ, महिलाओं घर कब बने, जब वो बच्चे होने लगे तो उनको अब झोंपड़ी चाहिए थी, तो आदमी लोग शिकार करने जाते थे और जो लड़की थी, औरत थी, वो घर रहती थी अपने परिवार को चलानी, तो ही खेती बाड़ी शुरू हुई। ये हिस्ट्री है मैनकाइंड। सो ये जो है पुरुष के 3 गुण, महिलाओं के भी 3 ऐसे ही गुण है। पहला गुण है उसमें जबरदस्त हार्ट है, हार्ट हेच, उसके है 3H, महिलाओं के है 3H, पुरुष के 3M, महिलाओं के है 3H। पहला है उसका पास हृदय है, अगर उसके पास ये नहीं है तो उसके पास दिल है, जिसको प्रियंका ने बोला उसमें ममता है, उसमें प्यार है, उसमें दया है। इसीलिए माँ, जब वो माँ बच्चे को दर्द होती है तो क्या बोलता है, ये नहीं बोलता डैडी, वो बोलता है माँ। माँ जब दर्द होती है, माँ, उसको माँ चाहिए, माँ। क्यों?
क्योंकि माँ के इधर से निकला है वो, 9 महीने माँ के इधर से निकला है। और फिर जब पहली बार माँ की आंखें खोलता है तो अपनी माँ को देखता है, क्योंकि माँ उसको तुरंत दूध पिलाती है, उसको जीवन देती है। सो पहली हुनर हर औरत का पहला हेच है उसका हार्ट, जिसमें ममता डालती है। और दूसरा है ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो जन्म ना दे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। औरत ही जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं जन्म देता। उसके पास ह्यूमैनिटी है, उसके पास ह्यूमैनिटी है, उसके पास हार्ट है। और तीसरा हेच है उसके पास हीलिंग पावर। हीलिंग पावर, सारा नर्सिंग प्रोफेशन किसके हाथ में है, किसके हाथ में है नर्सिंग प्रोफेशन? नर्सिंग, क्योंकि नर्स आप हमेशा कहते हो महिला नर्स आए वो आराम से इंजेक्शन लगाएगी, पता नहीं पुरुष कैसे ठोक ठोक देगा, लेकिन नर्स जो आएगी बड़े प्यार से लगाएगी। नर्स भी मारती है, लेकिन ये तीन हेज औरत के हैं। उसके पास हीलिंग पावर है, उसके पास ह्यूमैनिटी है, और उसके पास हार्ट है, दिल है। दिल ममता का भी है, माफी करने का भी है, प्यार करने का भी है, कुर्बानी करने का भी है, दया करने का भी है, कंपैशन करने का, सब कुछ, फॉरगिवनेस भी है। दिस इज द 3H ऑफ वुमेन, 3H 3M। लेकिन आप बताओ, मुझे बताओ आप क्या 3M नहीं हो चुके? आप 3M नहीं हो चुके? आपके पास स्टेमिना भी आ गया, आपके पास मोबिलिटी भी आ गई, आपके पास मनी भी आ गई, तो अब तो 6 गुना हो गए हो आप, 6 गुना हो गए हो। हर महिला अब 6 गुना हो गई है। आप मोबाइल भी हो, मनी भी है, और स्टेमिना भी है, और साथ साथ आपके पास हार्ट भी है, हीलिंग भी है, ह्यूमैनिटी भी है। आप तो 6 गुना हो गए हो। इस मूवमेंट में आप 6 गुना हो गए हो, आप 6 गुना तरक्की कर चुके हो। पुरुष को भी हमारे औरत जैसे बनना होगा, तो उसको भी दयालु बनना होगा, उसको भी नरम होना होगा, उसको भी दयावान हाथ देना होगा, ना कि थप्पड़ी मारे। वो दया दिखाए, कोमलता दिखाए, तब वो पापा भी प्यारा बन जाता है। इसलिए पापा भी बच्चे को प्यारा तब बनता है जब वो भी बच्चे को खूब प्यार करता है, गोदी उठाता है, दूध पिलाता है, उसकी नैपी भी साफ करता है, उसको बड़ा समय भी देता है, तब वो बच्चा बाग कहता है मुझे डैडी चाहिए, नहीं तो हमेशा मम्मी चाहिए। सो मैं ये कहूंगी, ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हमारे देश में जिनके पास 3M भी थे और 3H भी थे, और आप जैसे बन गए जिनके पास 3H भी हैं और 3M भी हैं। ये है आपके मूवमेंट का चमत्कार। जब आप ये फैलाते रहोगे, आपको पता है जब मैं IPS में आई थी, इंडियन पुलिस सर्विस में 1972 में, आपको पता है कि जब मैं IPS में अकेली लड़की थी, तब 70 पुरुष थे ट्रेनिंग करने वाले, मैं पहली थी। तो मेरे उस्तादों ने ये मुझे दिल से कहा, किरण तेरे पास तो सारे 6 गुण हैं, तेरे पास तो सारे 6 गुण हैं, तेरे पास दया भी है और हिम्मत भी है, स्टेमिना भी है। क्योंकि जब मैं पुलिस में गई थी तब मैं ऑलरेडी एशियन टेनिस चैंपियन बन चुकी थी, नेशनल चैंपियन भी थी, तो मेरे पास मसल पावर भी थी, मोबिलिटी भी थी, मनी भी थी, लेकिन मेरे पास दया भी थी, प्यार भी था। इसलिए याद है आपको कुछ सुना होगा कि तिहाड़ जेल में मैंने किसी को मारा जाके, एज IG प्रिजन मैंने क्या किया था, मैंने वहां विपश्यना मेडिटेशन लेके गई, दया लेके गई, उनके लिए दया लेके गई, शिक्षा लेके गई,
सुधार लेके गई, इसलिए मेरा नाम भी वहां बदल गया था कि इसका नाम बदल दो सुधार बेदी। सो मैं आपको बताना चाहती हूं, जब विपश्यना के गुरु जी आए, गुरु गोयनका जी, उन्होंने भी मेरा नाम बदल दिया था। उन्होंने कहा था, नहीं नहीं, इसका नाम किरण बेदी नहीं है, इसका नाम तो करुणा बेदी है। सो मैं आपको यह बोलना चाहती हूं कि वर्दी तो मैंने पुरुष की, वर्दी मैंने पुरुष की, पुरुषों के साथ ट्रेनिंग की, लेकिन मैंने हाथ, अपना हाथ लगाया उस यूनिफॉर्म में और उसी मंदिर, उस यूनिफॉर्म को मंदिर बना दिया, अपना पूजा बना दिया। तो साथियों, मैं यही कहूंगी कि आप 6 गुना गुनी गुणवती बन चुके हो, कभी मत भूलना। आप स्टेमिना में, दैट मीन्स आप फिटनेस रखोगे, आप रोज योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वो तो वॉकिंग तो करते ही हो, योगा करोगे, आप ऐसे फिट रहोगे। फिट रहो, जब आप जाएं सेलिंग करने तो फिटनेस देखें, अरे आप इतने फिट भी हैं। सो फिटनेस आपने 100% रखनी है, आपने योगा करना है, आपकी फिटनेस ही सुंदरता का राज हो जाएगा। जब रोज सुबह उठ के योगा करोगे ना, यो फिटनेस का राज हो जाएगा। ऊपर से जो और लगाओगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि ये है आपकी आज की कमाई, कमाई दे चुकी आपकी, आपकी कंपनी आपको दे चुकी, ये परिवार अब आपको दे चुका, आपकी बहन आपको दे चुकी, अब आपने आगे मल्टीप्लाई कराना है। आपने एक बहन को दूसरी बहन बनाना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, ताकि अगर आप आज इतने इतने लाख हो चुके हैं तो हमने करोड़ बनना है। यू हैव टू नाउ प्रोपगेट वन मोर, और उस चरित्र को, उसको चरित्र बनाना है। आपके आने से पहले मैं शिवानी जी को सुन रही थी यूट्यूब पे, आपके आने से पहले वो किसी पे इंटरव्यू पे चल रही थी, तो मैं शिवानी जी को, जो ब्रह्म कुमारी की मेरी हमारी बहन है, उसको सुन रही थी। उसने कहा, जीवन का खुशी का राज होता है देना, लेना नहीं, गिविंग। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप गिविंग कर रहे हो, आप, यू आर गिविंग, बट व्हेन यू गिव यू गेट। जब आप देते हो तो मिलता है, पहले मिलता नहीं है फिर नहीं देते, पहले देते हो फिर मिलता है। अगर आप खुशी रहते हो, आपने गिविंग रखनी है अपने जीवन में। अगर गिव, ये है आपका प्रोफेशन ऑफ गिविंग, यू आर गिविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट विच हैज इज कॉस्ट इफेक्टिव, और उसके काम का प्रोडक्ट है, उसका भला कर रहे हो, क्योंकि उसको एक ईमानदारी का प्रोडक्ट दे रहे हो। इसीलिए मैंने कहा है कि हमने अपने काम पर बहुत जबरदस्त चौकसी रखनी है कि कोई भी इधर दोष ना आ सके। दूसरी उसने चीज बोली, दूसरी चीज उसने बोली, ग्रेटिट्यूड। अगर हमने जीवन में अपना जिंदगी सवारी रखनी है, हमको धन्यवाद रखना ही है। आपने रोज उठ के, जब मैंने कहा ना, धन्यवाद करना इस परिवार का, धन्यवाद करना इस कंपनी का, धन्यवाद करना प्रियंका का, धन्यवाद करना उस ईश्वर का जिसने ये आपके लिए संभव किया। सो गिविंग एंड ग्रेटिट्यूड, जब आप ये दो चीजें, ग्रेटिट्यूड और गिविंग, अपने जीवन में रखोगे, आप समाज को ही नहीं सुधारोगे, आप देश को वो दिशा दे दोगे जो इस देश की पुरानी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। मैं इतना विशाल चमत्कार को देख के मैं बिल्कुल आश्चर्य हूं, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया। और मैं एक बारी समय की वेट करूंगी जब मैं आपके वहां बिलवाड़ा भी जाकर देख सकूंगी और जाके आपका चमत्कार देख सकूंगी। और हमेशा प्रार्थना रखूंगी कि आपके कामकाज को आपको कर्मयोगी बनाए, ये काम सबको कर्मयोगी बनाए। ऐसे ऐसे कर्म करो, अपना काम करते करते कोई भी ऐसी बात भी नहीं करनी, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना, चाहे वो बिजनेस से नहीं भी लिंक्ड है, वो बिजनेस से जुड़ जाए, क्योंकि आपका चरित्र, आपकी आदतें, आपका चरित्र, आपके खान पान, आपकी आदतें, आपका परिवार, इंपैक्ट करेगा कंपनी को भी,
सो याद रखना, आपको बहुत चरित्र, सो मैंने आपको कहा गिव, ग्रैटिट्यूड एंड कर्म, कर्मों पर ध्यान रखना, ताकि इन उस कर्मों के आधार पर ही आज समूह बना है। इसको हमने एक जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है आंधी के रूप में, कि कोई भी औरत जो कामकाजी बनना चाहती है, उसके पास है ना की सोल में चली जाए, उसको काम मिलेगा। और उसमें 6 गुण है, उसके पास मनी भी है, मसल भी है, मोबिलिटी भी है, उसके पास हार्ट भी है, हीलिंग भी है, और ह्यूमैनिटी भी है। आप सबका बहुत बहुत जय है, धन्यवाद। क्या बात है मैम, जोरदार तालियां बनती है, कम ऑन आरसीएम परिवार। मैम हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए। आरसीएम परिवार एक बार शोर तो मचाइए। आरसीएम आरसीएम इस समय